नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अजीत कुमार यादव। तो इस वीडियो में आप सीखिएगा कि यूट्यूब में आप टैग कैसे लगाएंगे, टैग कितने प्रकार के होते हैं। पूरा इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि टैग कितने प्रकार के होते हैं और टैग को कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। फुल प्रोसेस दिस वीडियो। इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन के साथ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे आपको। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ले जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर सबसे पहले आए हैं तो चैनल को दाब के सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ले जाते हैं। तो ये देखिए मोबाइल के स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहां से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यूट्यूब क्रिएटर्स। वहां पे डाउनलोड करने के बाद वहां डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा आपको लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी से अपना जो यूट्यूब चलाते हैं अपना। तो वहां से लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अपना कोई सा एक वीडियो ले लीजिएगा। जैसे आप वीडियो अपलोडिंग में लगा दिए हैं उधर यूट्यूब से, और यहां पे आपको टैग लगा, ये जो वीडियो देख रहे हैं बहुत पहले हम अपलोड किए हैं, इसको हम यहां पे अपना कैसे टाइटल डालना है, उसके बाद मतलब डिस्क्रिप्शन में आप टैग कैसे लगाइएगा। सबसे पहले एक नंबर वन है टैग, तो डिस्क्रिप्शन है तो यहां पे आपको टैग लगाना होगा। हैश देखिए अपना जो भी चैनल का नाम हो, चैनल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको तीन टैग शो करेंगे आपका, जो भी टैग करेंगे आप टैग लगाइएगा, तीन टैग ही काम करेगा, ज्यादा इसमें नहीं टैग करेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 5000 वर्ड का, तो पूरा यहाँ पे कुछ से कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं न्यू भोजपुरी संग, हॉट भोजपुरी संग, इस तरह करके आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना डिस्क्रिप्शन में, पूरा आप भर सकते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ कैच करता है, अगर कोई सर्च करता है सॉन्ग या तो कुछ भी सर्च करता है वहां से मतलब टैग होता है। तो और नीचे मैं आपको दिखा देते हैं, ये एक दूसरा टैग होता है यहाँ पे, ये छुपाने वाला टैग है, आप किसी को पता नहीं चलता कि वीडियो में क्या टैग लगाया गया है और कैसे इसका सर्च ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे टैग लगाने के बाद जैसे आप लिख लीजिएगा, लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, कोमा पे क्लिक करना है। जैसे कोमा पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने देख लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि टैग मेरा एक लग चुका है। तो इस तरह करके आप टैग लगा सकते हैं पूरा वीडियो में, जितना भी वीडियो अपलोड कीजिएगा सब में आप टैग लगा के इस तरह करके अपना मन मस्ती में टैग लगाइएगा, तभी आपका सर्च ऑप्शन में नंबर वन में नहीं एक रैंक में आएगा आपका, अन्यथा आपका वीडियो रैंक में नहीं करेगी, यही है मेन टैग। तो यहाँ पे एक टैग देख लीजिए, यहाँ पे हम तीन टैग लगा चुके हैं डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको बता दें दूसरा टैग आपको कहाँ लगाना है, नीचे में देखिए यहाँ पे आपको 5 टैग लगाना होगा। कितना टैग, 5 टैग लगाइएगा, यहाँ 5 टैग ही काउंट होता है, 5 टैग ही काम करता है, उससे ज़्यादा काम नहीं करता है। कोई बहुत ज़्यादा लगा लेता है, लेकिन अब एक ऐसा जुनून रखिए कि एक ऐसा टैग लगाएं कि वही सिर्फ 5 टैग ही मेरा मतलब शो करे, कि कोई भी सर्च करे उसके अनुसार आपका वीडियो पहला रैंक में आए। इस तरह करके आप टैग लगा सकते हैं, जिस तरह करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि मस्ती भोजपुरी, इस तरह करके आप टैग लगा सकते हैं अपना लिख करके। उसके बाद यहाँ वीडियो पूरा टैग लगाने के बाद 5 टैग लग गया, लगाने के बाद क्या करना है, सेव। तो आप देख लिए कि दो प्रकार के टैग होते हैं, डिस्क्रिप्शन और टैग। तो आपको पता चल चुका होगा कि टैग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे यूज करना होता है। तो आपको पूरा इस वीडियो में पूरा आपको बताया गया कि टैग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे इसको यूज करना होता है और कहाँ से इसको टैग हमको लगाना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।